नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर 9। मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन भोपाल का प्रांतीय अधिवेशन रीवा में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र शुक्ल मंत्री मध्य प्रदेश शासन ने चर्चा के उपरांत सातवां वेतनमान का 27 माह का एरियल दिलाए जाने का आश्वासन दिया था। 15 मई 2018 को मुख्यमंत्री निवास में यह घोषणा की गई थी कि पेंशन नर्स को पुनहरी पेंशन का भुगतान 1 अप्रैल 2018 से किया जाएगा और 27 महीने का एरियर्स का भुगतान किस्तों में किया जाएगा। घोषणा के अनुसार 27 माह के एरियर्स का भुगतान आदेश जारी न करना पेंशन नर्स हितों के विपरीत है, जिससे पेंशन नर्स भ्रमित व निराश है, जिससे देश भर में रैली निकाल कर शासन का ध्यान पुनः आकर्षित करने को लेकर पेंशन नर्स एसोसिएशन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम पर अन्य विभागीय अधिकारी राजस्व सारंगपुर को ज्ञापन सौंपा। हमारे 27 महीने का वेतनमान जो देना था वो श्रीमान ने नहीं दिया है, उसके लिए हम बड़े दुखी थे, क्योंकि जैसा सबके साथ है वैसे ही हमारे साथ में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे 27 माह का जो वेतनमान वो है वो देने का कष्ट करें। मंत्री महोदय से हमारा ये निवेदन है कि हमारे जो पेंशनर संघ है उसी में भेदभाव वाली नीति हो गई है। जो पेंशनर्स हमारे 1/16 के बाद रिटायर्ड हुए हैं और ये घोषणा इसकी बाद में हुई है, तो उन लोगों को तो उन्होंने ऐसे आदेश प्रसारित किए कि 1/16 से संपूर्ण वेतनमान उनको दे दिया जाए सातवें वेतन का, लेकिन 1/16 के पूर्व के जो पेंशनर्स है उनके लिए उन्होंने केवल 1 अप्रैल 2018 से वेतनमान का भुगतान किया है, जबकि हमें 1/16 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक का बकाया रह गया है 27 महीने का, उसके शीघ्र आदेश प्रसारित कर यही उनसे विनय है। सारंगपुर से रविंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।